Hi friends, welcome to the Desk Deva English Spoken Class. Friends, today I am going to teach you about the use of all use of having. Having का इस्तेमाल मैंने पहले भी एक बार बताया था आप लोगों को, लेकिन वो पूरा नहीं था. Means कुछ ही टॉपिक थे जिसमें having का इस्तेमाल किया था, वो मैंने बताया था. But हम आज सारा इस्तेमाल having का बताएंगे कि having का इस्तेमाल हम कब और किस रूप में और किस वे में और किस तरह के सेंटेंसेस के लिए करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. फ्रेंड्स, कुछ सेंटेंसेस मैंने लिख कर रखा है, अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस. मैं सेंटेंसेस के द्वारा ही आपको हम समझाते जाते हैं कि किस तरह से हम हैविंग का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, घर पहुंचकर मैंने स्नान किया. तो यहां पर घर पहुंचकर, एक काम पूरा हुआ फिर उसके बाद दूसरा काम पूरा किया मैंने, एक काम पूरा करके दूसरा काम पूरा किया. इस तरह के सेंटेंसेस जब आए तो वहां पर हम हैविंग का इस्तेमाल करेंगे. हैविंग रिच्ड हाउस आई टुक बाथ. ठीक है फ्रेंड्स, हैविंग रिच्ड हाउस आई टुक बाथ. इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि आई रिच्ड हाउस एंड टुक बाथ. ओके फ्रेंड्स, कोई जरूरी नहीं कि हैविंग लगा कर ही बनाए, बट हैविंग लगाकर आजकल इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैंने हैविंग का इस्तेमाल बताने के लिए आपको सोचा. ठीक है फ्रेंड्स, तो हैविंग का इस्तेमाल आपको समझना जरूरी है. पत्र टाइप करके उसने छोड़ दिया. क्या किया उसने? पत्र टाइप किया, एक काम पूरा कर दिया, फिर उसने छोड़ दिया, दूसरा काम भी पूरा कर दिया. तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम ज्यादातर हैविंग का इस्तेमाल करते हैं. तो हैविंग टाइप्ड लेटर ही पोस्टेड. मतलब पत्र उसने टाइप किया, फिर उसके बाद उसने पोस्ट कर दिया, उसको छोड़ दिया. तो हैविंग टाइप्ड लेटर ही पोस्टेड. ओके फ्रेंड्स, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ही टाइप्ड लेटर एंड पोस्टेड इट. ओके फ्रेंड्स, ऐसे भी बोल सकते हैं. तुमसे मिलने के बाद मैं जाऊंगा. तो हैविंग मेट यू, यानी तुमसे मिलने के बाद या तुमसे मिलकर, मतलब तुमसे मिलने का काम पूरा कर लूंगा उसके बाद मैं जाऊंगा. ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बात ध्यान रहे कि हैविंग का इस्तेमाल करते वक्त हमेशा क्रिया का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है. क्रिया का तीसरा रूप ही हम वहां पर लगाते हैं. ठीक है, रिच्ड हुआ, टाइप्ड हुआ, फिर यहाँ पे मेट हुआ, मीट का तीसरा फॉर्म. तो हैविंग मेट यू आई विल गो, तुमसे मिलकर मैं जाऊंगा. ये देखने के बाद मैं वहां नहीं जा सकता. तो हैविंग सीन, हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगा इधर. हैविंग सीन दिस आई कांट गो देयर. ठीक है फ्रेंड्स, ये देखने के बाद, मतलब मैंने ये देखा, एक काम पूरा हो गया, फिर उसके बाद दूसरा काम करने की बात कही जा रही है. तो हैविंग सीन दिस आई कांट गो देयर, तुम्हें पाकर मानो सारे ख्वाब पूरे हो गए. तो हैविंग फाउंड, फाइंड का तीसरा फॉर्म है फाउंड, फाउंड यू, उसके बाद माना, मानो है, तो मानो के लिए हम एज इफ का इस्तेमाल करते हैं. एज इफ ऑल ड्रीम्स कम ट्रू. ठीक है फ्रेंड्स, हैविंग फाउंड यू एज इफ ऑल ड्रीम कम ट्रू, तुम्हें पाकर मानो सारे ख्वाब पूरे हो गए. ठीक है फ्रेंड्स, तो हम कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं और कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम हैविंग का. तो ये सेंटेंसेस है, तुम्हें देखे 2 साल हो गए. तुम्हें देखे यानी कि तुमको देखे हुए 2 साल हो गए हैं. तो इसको हम बनाएंगे हैविंग सीन यू इट हैज बीन 2 years. ओके फ्रेंड्स, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इट हैज बीन 2 years हैविंग सीन यू. ठीक है फ्रेंड्स, उससे मिले या उससे मिलकर 4 महीने हो गए. तो इट हैज बीन 4 months हैविंग मेट हिम. ओके फ्रेंड्स,
तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि हैविंग का इस्तेमाल करते वक्त हमेशा क्रिया का तीसरा रूप का इस्तेमाल करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब ये सेंटेंस है, पीटे जाने पर वह चिल्लाने लगा। पीटे जाने पर वह चिल्लाने लगा मतलब यहाँ पर हम सबसे पहले वर्ब वर्ब बोल रहे हैं, यानी कि क्रिया सबसे पहले आ रही है सेंटेंस में, तो इसका इस्तेमाल थोड़ा अलग होगा, बट होगा हैविंग का इस्तेमाल। तो यहाँ पर होगा हैविंग बीन बीटन, पीटे जाने मतलब बीटन, हैविंग बीन बीटन। यहाँ पर अब हमने बीन क्यों लगाया तो आप कंफ्यूज मत होना, ये पीटे जाने पर वह चिल्लाने लगा मतलब ये इसमें पैसिव सेंटेंस का इस्तेमाल हो रहा है कि पीटे जाने पर, मतलब किसी के द्वारा वो पीटा गया तो पीटे जाने पर वो चिल्लाने लगा, इसलिए यहाँ पर हम बीन का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। ठीक है फ्रेंड्स, हैविंग बीन बीटन ही स्टार्टेड टू क्राई, हराए जाने पर वह भाग गया। अब यह भी सेंटेंस में सबसे पहले वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है तो हराए जाने पर, और यह भी पैसिव सेंटेंस है इसलिए यहां पर भी हम ऐसे ही बनाएंगे कि हैविंग बीन डिफीटेड ही फ्लिट अवे। ओके फ्रेंड्स, हैविंग बीन डिफीटेड ही फ्लिट अवे, हराए जाने पर वो भाग गया या हार जाने के बाद वो भाग गया। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम कुछ और इस्तेमाल सीखते हैं और इस्तेमाल। तो ये जो सेंटेंस है ये, इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था जब हैविंग का इस्तेमाल बताया था, तो ये टेंस का इस्तेमाल है। जब हम हैविंग का इस्तेमाल क्रिया के रूप में करते हैं, क्रिया के रूप में, तो भी हम हैविंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे उसके पास दो गन है तो ही हैज टू गन्स, या ही हैज गॉट टू गन्स, ऐसे भी बोल सकते हैं, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ही इज हैविंग टू गन्स। ठीक है फ्रेंड्स, हैविंग का इस्तेमाल यहाँ पर हम क्रिया के रूप में कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर हम हैविंग लगा रहे हैं, नहीं तो हम इसको ही हैज टू गन्स भी बोल सकते हैं, ही हैज टू गन्स, ही हैज गॉट टू गन्स भी बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ही इज हैविंग टू गन्स मतलब वह दो बंदूकें रख रहा है, इसका मतलब यह होगा, मतलब वही हुआ, अर्थ वही निकलता है। वह स्नान कर रहा है तो स्नान कर रहा है के लिए हम कैसे, मीन्स नॉर्मली हम कैसे बोलते हैं, ही इज टेकिंग बाथ, ही इज बाथिंग, ऐसा बोलते हैं, बट हम यहाँ पर ऐसे भी बोल सकते हैं और बोला जाता है कि ही इज हैविंग बाथ या हैविंग शावर, मीन्स इस तरह से हम कुछ भी बोल सकते हैं। अभी मैं नाश्ता कर रहा हूँ तो नॉर्मली हम मैं नाश्ता कर रहा हूँ के लिए हम बोलते हैं कि आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट। ओके फ्रेंड्स, बट हम हैविंग लगा कर भी बोलते हैं और काफ़ी बोला जा रहा है इस समय, आजकल हैविंग का इस्तेमाल काफ़ी किया जा रहा है, तो हम हैविंग का इस्तेमाल करते हुए ऐसे बनाएंगे कि आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। ओके फ्रेंड्स, हैविंग का इस्तेमाल आप करना सीख लो, क्योंकि हैविंग का इस्तेमाल आजकल ज़्यादातर किया जा रहा है, जो वर्ब होता है टेक का जो अर्थ होता है और डू का जो अर्थ होता है उसके लिए, उसकी जगह पर हम हैविंग का इस्तेमाल है और हैव का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, इसलिए हैविंग का इस्तेमाल आप करना सीख लो। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह था आज हैविंग का इस्तेमाल, सभी इस्तेमाल हैविंग के, जो जो भी हैविंग के इस्तेमाल आते हैं सारे इस्तेमाल मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर कुछ फ़ायदा होता है फ्रेंड्स तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।